दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक सेव को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक सेव में। मैं वैशाली। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो पीएफ होता है मोस्टली एम्प्लॉयज कंपनीज में वो वर्क करते हैं, तो आपका पीएफ जो होता है वो आप किस तरह से निकाल सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम पीएफ निकालोगे तो उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, बट आप अगर सेकेंड टाइम निकालोगे तो आप इजीली 72 आवर्स में आपका पीएफ जो है बैंक अकाउंट में आपका आ जाएगा। तो क्या प्रोसेस होंगे, आपको इसके लिए क्या करना होगा, किस तरह से इसे अप्लाई करना होगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए पीएफ की, तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो कंपनीज में वगैरह काम करते हैं, तो मोस्टली लोग पीएफ निकालना चाहते, तो आपको पीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है ये पता नहीं होता है। कुछ लोग जो होते स्टोर पे जाते या तो पीएफ ऑफिस में जाते, बट अभी सिचुएशन ऐसी कि ये सब कुछ बंद है, तो आप घर बैठे ये पीएफ जो होता है वो किस तरह से निकाल सकते हो। तो आपको जस्ट क्या करना होगा, पीएफ लॉगिन में जाना होगा। पीएफ लॉगिन में जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद आप अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करना होगा। यहाँ पर गेट ऑथराइजेशन पिन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर ये आएगा। तो आपका एक आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ये पिन आएगा, तो ये पिन आपको यहाँ पे डालना होगा। और वो आपको यहाँ पे डालने के बाद आईडी एक्टिवेट होगा। जैसे कि आईडी जो होता है एक्टिवेट होता है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड सेटअप करना होता है और लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करती हूँ, यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आप अगर फर्स्ट टाइम ये देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे आपका KYC कंप्लीट है या नहीं ये देखना होगा। जस्ट आपको मैनेज में जाना होगा और मैनेज में जाने के बाद आपको KYC पे टैप करना होगा। जैसे आप KYC पे टैप करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आपको KYC कंप्लीट हुआ है या नहीं। आपका KYC ऑलरेडी अगर डन होता है तो ठीक है, बट अगर KYC कंप्लीट नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, आपका जो पैन कार्ड होता है वो ऐड करना होगा, आधार कार्ड ऐड करना होगा, बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, सेव करना होगा। जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन सेव करते हो तो यहाँ पे नेक्स्ट डे आपका KYC कंप्लीट हो सकता है, प्रोसेस जो है कंप्लीट डन हो सकती है। तो आपका KYC कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे आपको इसे लॉगिन करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी बैंक अकाउंट जो ऐड किया होगा तो आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे होम पेज पे आओगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और यहाँ पे क्लाइम फॉर्म पे टैप करना होगा। जैसे आप इसे टैप करोगे तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना होगा और वेरीफाई करना होगा। तो आपको बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद एक बार चेक करना होगा आपका बैंक अकाउंट नंबर और प्रोसीड पे टैप करना होगा। और यहाँ पे उसके बाद में सिलेक्ट ऑप्शन पे आपको जाना होगा, इसमें पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पे आपको टैप करना होगा। तो यहाँ पे टैप करने के बाद आपको ये रीज़न सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे रीज़न आपको दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर जो है आउटब्रेक का जो कोविड का जो पैंडेमिक वाला जो ऑप्शन है यही आपको सिलेक्ट करना होगा। ये जो बाकी ऑप्शन है यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहे क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पीएफ निकाला है। तो आपको ये ऑप्शन पे टैप करना होगा और आपकी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी और आपका बैंक अकाउंट का जो पासबुक होता है वो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का पासबुक का फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपको जो आधार कार्ड रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना होगा और सबमिट करना होगा। जैसे आप इसे सबमिट करोगे तो आपका जो पीएफ होगा 72 आवर्स में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का वीडियो था, इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।